सो अभी देखिए गाइस, ये जो लाइट है वो मुझे मिल गई है। सो अभी इसे मैं अनबॉक्स करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये अमेजोन से परचेस किए हैं। सो अगर आपको इसे परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो। एक मैंने जस्ट ये ट्रायल बेसिस पे इसे परचेस किया है। ये डील है और कुछ नहीं है, और ये लाइट है। सो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर आपको ये रिमोट भी मिलता है और इसके अंदर ये आपको ये कलर्स भी मिलता है, यानी कि जो कलर का जो लाइट जो कलर का रखना है आपको, आप उसमें सेट कर सकते हो। सो अभी इसे मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये ऐसे इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस है और ये प्योरली मेड इन चाइना है। यहाँ पे देखिए, और ये देखिए, ये इसका रिमोट, अच्छे क्वालिटी का रिमोट है दोस्तों। और इसके जो कलर्स है वो कलर्स भी मुझे अच्छे ही लग रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यानी कि जो रिमोट में दिख रहे हैं वो, और ये इसके लाइट्स है ऊपर से इसको, यानी कि जो तीन एलईडी लाइट्स आपको दिख रहे हैं अभी, यहाँ पे देखिए ये तीन एलईडी, एक सेकेंड, ये तीन एलईडी जो है यहाँ पे देखिए, अभी इसके ऊपर एक सिलिकॉन जैसा एक कवर है, यानी कि कवर नहीं कह सकते, यानी कि एक प्योर बल्ब टाइप में इसके अंदर ही है। लेकिन नेकेड आई से जब आप इसे देखते हो तो ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये सिर्फ लाइट सी है ऐसा। सो अभी चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद में कैसा इसका आउटपुट आता है वो देखते हैं। और गाइस, अभी ये जो एग्जिस्टिंग लाइट है ये ऐसे कुछ दिखती है। अभी मैं इसे एक बार अनलॉक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये अंदर की जो एलईडी लाइट्स है वो ग्लो हो रही है, और ये इंडिकेटर्स है अभी। और एक बार आप देख लीजिए, ये अंदर के भी एलईडी लाइट्स, और ये अभी बंद। सो अभी मैं लाइट इंस्टॉल कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी ये जो लाइट्स है, पार्किंग लाइट, ये कार के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। सो इसके अंदर सबसे पहले तो देखिए क्या एक प्लस पॉइंट है, तो आप ये कार के जो एलईडीज है वो आप बंद कर सकते हो। सो अभी बेसिकली देखा जाए तो अंदर से जो सिस्टम है वो ऑन है एलईडी का, पार्किंग लाइट का। लेकिन ये जो रिमोट है यहाँ पे, अभी आप ये देख सकते हो, ये देखिए, ये रिमोट से मैंने ऑफ किए हुए हैं। सो अभी यहाँ पे देखिए, मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ का ऑन हो गया और ये यहाँ का ऑन हो गया। सो यहाँ पे देखिए, ये आप ऑफ कर सकते हो और ये ऑन कर सकते हो, ये देखिए। सो अभी इसके अंदर देखिए आपको बेसिकली क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं। तो इसके अंदर अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये रेड कलर कन्वर्ट कर सकते हो आप। यहाँ पे देखिए, ये रेड कलर हो गया, ये भी रेड कलर हो गया। अब इसके बाद में अगर रेड कलर में आपको फ्लिकरिंग चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखिए, ये अभी दोनों भी लाइट्स जो है ये फ्लिकर हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए, और इसके बाद में अगर ये जो फ्लिकर है आपको इसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। ये जो बटन अभी आपको दिख रहा है ये ब्राइटनेस का, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अभी मैं इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यह अभी देखिए इंटेंसिटी एज़ कम्पेयर टू राइट हैंड साइड कम हो चुकी है, सॉरी ब्राइटनेस कम हो चुका है। और अभी यहाँ पे देखिए, यह अभी बढ़ चुका है। सो ये ब्राइटनेस की जो इंटेंसिटी है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद में आपको जो कलर चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, अब ये ग्रीन कलर है, ये भी ग्रीन कलर है, यह भी ग्रीन कलर में हो चुका है। आपको जो कलर चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। ब्लू कलर चाहिए आप ब्लू कलर कर सकते हो, ये देखिए ब्लू कलर। इसके बाद में वाइट चाहिए तो आप वाइट भी कर सकते हो, ये देखिए अभी ये हो गया वाइट। उसके बाद में
फिर से आपको और भी ऑप्शंस है, रेड कलर, उसके बाद में ग्रीन कलर, उसके बाद में फ्लैश का भी ऑप्शन है आपके पास। एक सेकेंड, ये देखिए अब ये फ्लैश जैसे हो रहे हैं, यानी कि जो ये डिफ़ॉल्ट में रहते हैं वैसे आप कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको स्ट्रोब चाहिए तो स्ट्रोब भी आप कर सकते हो। ये देखिए ये स्ट्रोब कर दिया अभी मैंने। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होगा कि अभी ये जो लाइट है वो धीरे धीरे चेंज होगा। अभी यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इसके बाद में फेड का भी ऑप्शन है इसके अंदर। ये देखिए ये से यानी कि धीरे से ब्राइट हो गए, फिर बाद में और थोड़ा सा ब्राइटनेस कम होगा, कम ज़्यादा हो गए, और स्मूथ का भी ऑप्शन है। ये देखिए एक बार मैं आपको फ्लैश बंद करके दिखाता हूँ। ये देखिए, सो अगर देखा जाए दोस्तों तो जो लाइट है वो बहुत ही मस्त है, और जो प्राइस टैग के साथ आता है ये ओनली 300 रुपीज़। आपको और क्या चाहिए, शायद से अभी ऑनलाइन जो है ये महंगा हो चुका होगा, लेकिन ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 रुपये हुआ होगा और कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखिए अभी ये मैंने वाइट कन्वर्ट कर लिया टोटली। सो इसका ब्राइटनेस जो है वो बहुत ही ऑसम है दोस्तों। और मुझे अगर पर्सनली अगर आप मुझे पूछते हो तो रेड कलर भी बहुत ही मस्त लगता है। यहाँ पे देखिए ये रेड कलर, अब ये अंधेरे के अंदर में रेड कलर जो है इसे फ्लिकर करता हूँ। ये देखिए, सो ये बंद चालू हो रहे हैं। उसके बाद में रेड और ब्लू का भी आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो तो वो भी अच्छा लगता है। ये देखिए ब्लू की इंटेंसिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेड कलर। ये देखिए, सो अगर आपको इसे परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो। और जो प्राइस टैग के साथ आता है दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट है, और ये प्लग एंड प्ले है। उसके बाद में अगर ये जो लाइट है इसे आप अगर आपको रिमूव करना है और फिर बाद में आपको एग्जिस्टिंग जो बल्ब से आपको वो इंस्टॉल करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखिए अभी मैंने फिर से इसे वाइट कर दिया है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है दोस्तों, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो। और एक बार मैं आपको ये कार का जो लाइट का जो आउटपुट आ रहा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, शायद से आपको दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं अभी। ये देखिए तो थोड़ी बहुत रोशनी जो है ये रस्से के ऊपर इसकी गिर रही है। अगर यही एग्जिस्टिंग जो हमारा पार्किंग लाइट है वो रहता तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो इतनी कुछ ज़्यादा रहती नहीं है, और कुछ इतनी ज़्यादा रोशनी दिखती भी नहीं है रोड विजिबिलिटी की हम अगर बात करें तो। और उसके बाद में आपको रिमोट भी मिलता है। सोचिए 300 रुपये में क्या क्या नहीं मिला है, लाइट मिले दो, उसके बाद में ये रिमोट मिला, उसके बाद में रिमोट के अंदर सेल मिला, और क्या चाहिए। बस इसके अंदर एक ही दिक्कत है दोस्तों, जब भी आप ये कार बंद करते हो यानी कि लाइट बंद करते हो और फिर बाद में फिर से आप ऑन करते हो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बंद चालू वाले लाइट जो है उसके अंदर ही आता है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए ये ऑन है कंटिन्यूसली। अभी मैं इसे ये लाइट्स को बंद करता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी मैंने बंद कर दिए, अभी मैं ऑन करता हूँ फिर से। सो यहाँ पे देखिए अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर आता है, यानी कि बंद चालू वाला जो प्रोसेस है उसके अंदर आ जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम आपने जब ये लाइट समझो अभी रेड में बंद किया है तो बाद में फिर से जब नेक्स्ट टाइम आप ऑन करोगे तो रेड के ऊपर ही होगा, ऐसा नहीं है। चाहे तो मैं अभी आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए अभी मैं एक रेड कलर सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये रेड कलर में किया और ये मैं वाइट कलर में करता हूँ। ये देखिए अभी ये एक वाइट कलर में किया और एक रेड कलर में किया। अभी अगर मैं इसे बंद करता हूँ, ये देखिए अगर मैं इसे बंद करता हूँ, अभी बंद कर दिया, फिर से अगर मैं ऑन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो बंद चालू में ही आएगा। ये देखिए,
सो ये एक चीज़ जो है, सिर्फ मुझे ये लाइट की पसंद नहीं है, बाकी अगर ब्राइटनेस और जो प्रोडक्ट जिस प्राइस में आता है, जिस वैल्यू में आता है, तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों। अगर आपको इसे परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी वीडियो लगता है स्कूल तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ लीजिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय फ्रेंड्स।